Hello everyone, it's me Sahal Dodia, welcome you all to one of your favorite YouTube channel English Hub. जैसा कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, सो हियर इट इज, लेट्स स्टार्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोगों ने कल पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो देख लिया था, एस और ई एस का यूज़ भी देख लिया था. नाउ कमिंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस, जिससे पहले अभी जिन लोगों ने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले उन दो वीडियोस को ज़रूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है ताकि ये वाला वीडियो भी आपको इजीली समझ में आ सके. नेगेटिव सेंटेंसेस गुजराती में कहते हैं नकार वाक्य, उर्दू में कहते हैं मनफी जुमले. नेगेटिव सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, तो सबसे पहले उसमें आपको एज इट इज़ सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स लगाने होते हैं, वो है या तो डू या तो डज. ओके, फिर आएगा नॉट प्लस वी वन बेसिक फॉर्म वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. सबसे पहले इधर समझ लेते हैं डू कहाँ पे लगता है, डज कहाँ पे लगता है. तो जहाँ पे आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप एस लगाते थे, ई एस लगाते थे, वहाँ पे डज लगता है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज लगता है, बाकी सब के साथ टू लगता है. आई डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, बट ही शी इट डजेंट प्ले. एक बात और याद रखनी है कि अगर डज आगे आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो वर्ब के बाद एस या फिर ई एस लगेगा नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए कि मैं रोज़ क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, अगर आपको ऐसा कहना है तो कौन नहीं खेलता है, मैं, तो सब्जेक्ट आपने पहले लगाया आई, आई के साथ हमेशा लगता है डू, तो आई डू, उसके बाद नॉट, आई डू नॉट, फिर आएगा वर्ब प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग. अब डू नॉट को शॉर्ट में कहते हैं डोंट. शी डजेंट बाय मिल्क एवरी डे, वो हर रोज़ दूध नहीं खरीदती है, तो शी है इसलिए यहाँ पे डज आया है. ओके, ही शीट की जगह पे किसी बंदे का नाम भी हो सकता है, इसलिए आप देखिए थर्ड एग्जांपल रेहान, रेहान डज नॉट गो टू मुंबई एवरी ईयर, रेहान हर साल मुंबई नहीं जाता है. प्रशांत डज नॉट वियर अ कोट डेली, प्रशांत रोज़ कोट नहीं पहनता है. मिस्टर ठक्कर डज नॉट टीच अस इंग्लिश, मिस्टर ठक्कर हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं. इन सारे वर्ब्स में आप देख लीजिए भले ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है लेकिन वर्ब के बाद एस और यस नहीं लगेगा क्योंकि आगे डज ऑलरेडी आ चुका है. लास्ट एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स डोंट टीज मी एवर, मेरे फ्रेंड्स मुझे कभी भी परेशान नहीं करते. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी समझाया. नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज बीच में हेल्पिंग वर्ब आते हैं और उसके बाद नॉट लगता है. ओके, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जितने लोगों तक पहुंचा सके पहुंचाएं, ताकि ये फ़ायदा बहुत सारे लोगों को भी मिल सके. चलिए पॉइंट पे आते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद थर्ड टाइप के सेंटेंसेस आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब होते हैं सवाल वाले जुमले जिसमें आपको क्वेश्चन पूछना होता है. ओके, फॉर एग्जांपल आपको अगर पूछना है किसी को, सामने वाले को, कि आप हर रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो रोज़ दूध खरीदती है, या मुंबई रेहान हर साल जाता है, ओके, प्रशांत डेली कोट पहनता है, आपका क्या मोबाइल सही से काम करता है, आपके फ्रेंड्स आपको कभी परेशान करते हैं, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जिसको कहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि डू और डज जो बीच में आता था उसको आप पहले बिगिनिंग में ले आइए, डू और डज, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, क्वेश्चन मार्क प्लस वो अंदाज, साथ साथ में क्वेश्चन पूछने वाला एक टोन होना चाहिए. अगर आप किसी को पूछ रहे हैं तो आप पूछेंगे तो टोन भी उसका होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आप पूछेंगे डू यू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, डज शी बाय मिल्क एवरी डे, डज रेहान गो टू मुंबई एवरी ईयर, डज प्रशांत वियर अ कोट डेली, डज योर मोबाइल वर्क प्रॉपरली, डू योर फ्रेंड टीज यू एवर, तो इस तरीके का टोन भी आपका होना चाहिए.
नाउ कमिंग टू द आंसर्स, इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर अगर आपको देने तो आप बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग? तो अगर आप खेलते हैं तो आप ये आंसर दे सकते हैं येस आई डू, और नहीं खेलते हैं तो नो आई डोंट. डज शी बाय मिल्क एवरी डे? क्या वो रोज़ दूध खरीदती है? तो आंसर आप दे सकते हैं अगर आपको मालूम है कहाँ खरीदती है, येस शी डज. इतना लंबा आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, येस शी बाइज मिल्क एवरी डे, इतना लंबा कहने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ उसको शॉर्ट में येस शी डज, नो शी डजेंट. उम्मीद है कि बाकी सेंटेंसेस आप इजीली समझ गए होंगे. एक मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का. डब्ल्यू एच क्वेश्चंस क्या है तो मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं डिटेल्ड वीडियो उसका बाद में बनाऊँगा. व्हाट, वाई, विच, वेयर, व्हेन, ये जो क्वेश्चंस वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट से आप ऑब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, वेयर से आप प्लेस के बारे में पूछते हैं, व्हेन से आप टाइम के बारे में पूछते हैं, ओके, वाई से आप रीज़न पूछते हैं, कारण, ओके. तो अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन आपको लगाना हो तो सिर्फ उसमें कुछ नहीं करना है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मेट है उसके आगे आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा दीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछना है कि आप क्रिकेट कब खेलते हैं तो व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, आपने क्या किया, सिर्फ आगे व्हेन लगा दिया. व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट? रेहान हर साल कहाँ जाता है? तो वेयर डज रेहान गो एवरी ईयर? वो रोज़ क्या खरीदती है? व्हाट डज शी बाय एवरी डे? ये सिंपल फॉर्म है, आप आगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा देंगे. अगेन इसमें याद रखने की बात यह है कि यहाँ पे भी अगर थर्ड पर्सन है फिर भी उसमें वर्ब के पीछे एस और ईएस लगेगा नहीं. डज रेहान गोज़ टू मुंबई एवरी ईयर नहीं आएगा, इसलिए कि आगे डज आ गया है तो यहाँ पे सब में वर्ब एज इट इज़ आएगा. उम्मीद है कि आप ये इंट्रोगेटिव भी सेंटेंसेस भी समझ गए होंगे. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं जनरली. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होने वाले वर्ड्स आप देख सकते हैं जिसको एडवर्ब्स कहते हैं, जिससे आप जिनको देख के आप ये भी समझ सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, ऑफन मतलब अक्सर, रेगुलरली मतलब भी हमेशा, समटाइम्स मतलब कभी कभी, जनरली का मतलब भी होता है जनरली तौर पर, हमेशा के तौर पर, ओकेजनली मतलब होता है कभी कभी, रेयरली मतलब बहुत कम, सेल्डम मतलब भी बहुत कम, नेवर मतलब कभी नहीं, हार्डली मतलब बहुत कम, मुश्किल से, हैबिचुअली मतलब आदतन, आदत के हिसाब से. ये जो टू लाइन में जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं. मैं आगे आपको एग्जाम्पल से एग्जाम्पल में समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, वी नेवर रीच अवर स्कूल लेट, हम कभी भी हमारे स्कूल लेट नहीं जाते हैं. मिस्टर सोहेल ऑफन कम्स टू माई ऑफिस, मिस्टर सोहेल अक्सर मेरे ऑफिस आते हैं. तो ये वाले वर्ड्स जो है ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी आते हैं. और नीचे वाली जो टू लाइन्स हैं ये डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी ईयर, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 मरतबा, थ्राइस अ मंथ, महीने में 3 मरतबा, ये वाले वर्ड्स भी, ये भी एज अ एडवर्ब यूज़ होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये लास्ट में लगते हैं. फॉर मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यू कैन वॉच मोर एग्जाम्पल्स हियर. यहाँ पे आप बहुत सारे और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के दिए हुए हैं. वी नेवर रीच आवर स्कूल लेट, मिस्टर सोहेल ऑफन कम्स टू माई ऑफिस. यहाँ पे देखिए थर्ड वाले एग्जाम्पल में समटाइम्स पहले लगाए हुए हैं, कभी कभी. आई गो टू कॉलेज ऑन माई फीट, चल के मैं कॉलेज जाता हूँ. रमेश भाई जनरली ओपन से शॉप एट 8, रमेश भाई जनरली अपनी दुकान 8 बजे खोलते हैं. मेरा माई ब्रदर हार्डली गोज़ टू मार्केट, मेरा भाई बहुत कम मार्केट जाता है. सहल सर यूजअली टीचेस अस इंग्लिश, जनरली सहल सर ही इंग्लिश पढ़ाते हैं. शी क्राइज लाइक अ बेबी, वो एक बच्चे की तरह रोती है. आई डोंट लाइक कॉफ़ी, डू यू वर्क हार्ड? इंडियन प्लेयर्स ऑफन विन T20 मैचेस. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर मोर एग्जाम्पल्स, अगर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स और चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. उम्मीद है कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अभी जो नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस देता हूँ, वो आज एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं उसके आंसर्स. लेकिन
कीजिए ज़रूर, ये सब आप लोगों के लिए है। मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ ये इसलिए कि तमाम के तमाम लोगों के टेंसेस बेसिकली क्लियर हो जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट टू मैक्सिमम पीपल एज यू कैन। ओके, लीजिए एक्सरसाइजेस है, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यहाँ पे आपको वर्ब का प्रॉपर फॉर्म रखना है। मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल समझा देता हूँ, आई 16 इयर्स ओल्ड, बी वाला फॉर्म रखना है, तो आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम, आई एम 16 इयर्स ओल्ड। टॉमी ब्लैंक एट 107 पाइन लेन, टॉमी 107 पाइन लेन में रहता है, तो टॉमी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए आएगा लिव्स। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए, बाकी एग्जांपल्स आपको खुद यहाँ पे वर्ब के फॉर्म्स रखने हैं। उसके बाद ये नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, फॉर एग्जांपल आई नॉट लाइक कॉफ़ी, मतलब यहाँ पे सेंटेंस आपको बनाना है कि मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो आई के साथ कौन क्या आएगा, हेल्पिंग ऑफ डू, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, आई डू नॉट लिव इन पेरिस। ओके, ये भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। इसके बाद वाली ये एक्सरसाइज जो है ये थोड़ी डिटेल्ड है, इसको आपको समझ कर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखने हैं, फॉर एग्जांपल हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज स्टीवी एंड दिस इज माय फैमिली, यहाँ पे जहाँ पे बी भी लिखा हुआ है वहाँ पे एमिजार में से रखना है आपको। माय मदर्स नेम इज लुइस, शी इज अ हाउस वाइफ, शी इज 35 ईयर्स ओल्ड, शी गेट्स अप एट 7 एवरी मॉर्निंग। ओके, एंड प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, बिकॉज ये थर्ड पर्सन है इसलिए आप यहाँ पे थर्ड एस ई एस लगाएंगे। बाकी एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है कल हमारा, वो होगा सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तब तक के लिए मेरे ये जो तीन वीडियो अभी तक हुए उसको आप कंप्लीटली समझ लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ आप सब के लिए आसान ज़रूर हो। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मी टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क्स। थैंक यू।